आप हिंदुस्तान के मुसलमान, दुनिया के मुसलमान को क्या मैसेज देंगे? आप लोग तो नाम के मुसलमान हैं, आपको मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। आप लोग फर्जी मुसलमान, नमाज साथ पढ़ेंगे, सब खाना सब साथ खाएंगे, मगर शादी के वक्त आएगा, अरे तोबा तोबा, हमारी लड़की जाएगी अंसारियों में, हम तो सैयद हैं। प्रॉफिट ने पहले बताया कि सब बराबर है, वो आप लोग मानते नहीं, आपका सिस्टम फॉलो करते। प्रॉफिट ने कहा कि इल्म के लिए चीन तक जाओ। अब चाइना को ये लिटरल मत लीजिए, जी सिंबॉलिक लीजिए, इसका मतलब जहाँ भी इल्म मिले वहाँ जाओ, ये प्रॉफिट ने सिखाया था। मस्जिद को तारपोलिन से ढक दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया, आज ही की न्यूज़। क्यों क्यों किया? कि रंग ना फेंक दे कोई इस पर। ये इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। अभी मेरा नाम एमटी कैफी है और अभी मेरा रमजान शुरू हो रहा है 22 या 23 इसी महीने से। अच्छा। शबे बारात कल है। अच्छा, तो आपको तो इसकी नॉलेज बहुत सारी होगी, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमान, दुनिया के मुसलमान को क्या मैसेज देंगे इस रमजान पे, क्या करना चाहिए? देखिए, आप लोग तो नाम के मुसलमान हैं, आपको मैं मुसलमान नहीं मानता हूँ। आप लोग फर्जी मुसलमान हैं, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स प्रॉफिट ने सिखाए थे, एक तो कि सब लोग बराबर हैं, इट वॉज द ग्रेट मैसेज ऑफ इक्वालिटी, जिसकी वजह से इस्लाम फैला स्पेन से लेके इंडोनेशिया तक, क्योंकि इट वॉज अ ग्रेट लेवलर, सबको बराबर मानता था, और जो खासकर जो दबे हुए तबके थे, जैसे हमारे यहाँ दलित वगैरह, उनकी उनको बड़ी राहत मिली, उनको सोशल इमेंसिपेशन मिला इस्लाम से, उनको इंसान तो माना गया। मगर आप लोग क्या हरकत करते हैं? आप तो सैयद हैं ना? जी सर। हाँ, अशरफ हैं, अपर कास्ट मुस्लिम्स, सैयद, शेख, पठान, मुगल, और आप लोगों के तीन के जैसे हिंदुओं में अपर कास्ट हिंदू और बीच में ओबीसी, दो सबसे नीचे दलित, वैसे आप लोग अशरफ, ये जो मैंने चार गिना है जी, उसके नीचे ओबीसी, ये अंसारी, सिद्दीकी, कुरैशी वगैरह, और सबसे नीचे दलित, लाल बेगी और डोम और क्या क्या। अब बताइए आप लोग, हाँ नमाज साथ पढ़ेंगे, सब खाना सब साथ खाएंगे, मगर शादी के वक्त आएगा, अरे तोबा तोबा, हमारी लड़की जाएगी अंसारियों में, हम तो सैयद हैं, ये सब हरकत करते हैं। ये सब तो हिंदुओं में भी है। तो फिर आप हिंदू, आप लोग फिर मुसलमान बने क्यों? हिंदू रहते, ये पागलपन करना था, जात का सिस्टम फॉलो करना था, तो आप हिंदू रहते, ये पागलपन जो आप लोगों ने चला रहे हैं, आप लोग मुसलमान हैं, इसीलिए तो हालत ये है सर। बताइए, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं जी। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, जो इलाहाबाद से करीब 200 मील पश्चिम में पड़ता है बांदा जिला जी। बांदा शहर में एक राजपूत मुस्लिम फैमिली थी, वो कभी हिंदू रहे होंगे 200 साल पहले, फिर किसी वजह से कन्वर्ट हो गए। उनकी एक लड़की का इश्क हो गया एक दलित हिंदू मजिस्ट्रेट, वहाँ पोस्ट हुआ था उससे, तो उस लड़की के दो भाई पहुँचे वो मजिस्ट्रेट साहब के पास, और कहा कि तुम ताल्लुक तोड़ दो हमारी बहन से, वरना तुमको मार डालेंगे। अच्छा, वो दलित मजिस्ट्रेट मुसलमान बन गया था शादी करने के लिए इस मुस्लिम लड़की से, तो उसने कहा सा मैं तो मुसलमान बन गया हूँ और इस्लाम में तो कोई कास्ट सिस्टम है नहीं। वो लड़के बोले कि देखिए, हमने अपना मजहब छोड़ा, अपनी जात नहीं छोड़ी है, हम राजपूत हैं, वो मार डालेंगे तुम्हें भी। वो बेचारे ने डर के मारे अपना ट्रांसफ़र करवाया, शादी नहीं हुई, शादी छोड़ी है, वो जान बचा के भागा, कोई शादी का सवाल नहीं है, राजपूत लड़की की शादी दलित से होगी, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। ये तो साहब आप लोग हरकत करते हैं। प्रॉफिट के जो दिखाए रास्ते थे, प्रॉफिट ने पहले बताया कि सब बराबर है, वो आप लोग मानते नहीं, आपका सिस्टम फॉलो करते। दूसरा, प्रॉफिट ने कहा कि इल्म के लिए चीन तक जाओ, फॉर नॉलेज गो इवन टू चाइना। अब चाइना को ये लिटरल मत लीजिए, जी सिंबॉलिक लीजिए, इसका मतलब जहाँ भी इल्म मिले वहाँ जाओ, ये प्रॉफिट ने सिखाया था। मगर आप लोग क्या करते हैं? इल्म के लिए मौलाना के पास जाओ, और मौलाना ज़्यादातर बिल्कुल रिएक्शनरी लोग, प्रतिक्रियावादी,
ख्यालात हैं वो आपको उठ पढ़ा की बात सिखाएंगे। तो लिहाजा कहाँ आप इल्म ढूंढ रहे हैं? तो लिहाजा मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों की भी तरक्की हो, सबकी तरक्की हो, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, मगर आप लोगों को ये सब जो पिछला तो फैसिलिटी कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों को? पहले तो अपने को आप बदलिए, फैसिलिटी दूसरों से बाद में मांगिए। पहले आप ये जो कास्ट सिस्टम के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए आपको? आप लोग तो खुद करते हैं ये सब हरकत। फैसिलिटी चीज तो ठीक है, ये बात सही है कि मुसलमानों पे इधर जुल्म बढ़ गया है, मगर आप अपनों में अपने अंदर भी तो झांकिए कि आप में क्या कमियां हैं। जो सही जो प्रॉफिट का दिखाया रास्ता था वो तो उस पर तो आप लोग चलते हैं। मुझको बल्कि सईद नकवी साहब हैं जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हाँ बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो मुझसे 5-6 साल बड़े हैं, शायद मैं 77 साल का होंगे और वो शायद 83 साल के। उन्होंने मुझसे कहा, वो मुझे मंटू भाई कहते हैं, मेरा निकनेम मंटू भाई, हालांकि मुझसे बड़े हैं, कहते हैं कि मुसलमानों का एक ही लीडर था हिंदुस्तान में, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, वो मर गया 1964 में, और उसके बाद एक ही लीडर है आज, वो है मार्कंडेय का युग। जो कहते सीरियसली मुझसे कहते हैं, क्योंकि मैं देखिए मैं जो ग्रेट क्वालिटी थी इस्लाम की कि सबको बराबर मानना, इल्म ढूंढना, उसमें मैं फॉलो करता हूँ, आप लोग करते नहीं हैं, इसीलिए आप लोग पिछड़े रह गए। अच्छा सर, किसी ने कहा था कि आप रोज़ा भी कई सालों से रखते हैं। मैं 25-30 साल से रमज़ान के महीने में एक दिन मैं रोज़ा रखता हूँ, वो आखिरी जुम्मा अलविदा, अलविदा जी, और वो भी स्ट्रिक्टली जो रूल्स हैं जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फॉलो करते हैं कि जैसे हम लोग सर, हाँ आप लोग 4:30 बजे सवेरे सहरी करनी पड़ती है, तो मैं 4 बजे जग के जल्दी से कुछ दूध डबल रोटी कुछ खा के, और वो 4:30 बजे के बाद इफ्तार के टाइम तक दिन भर बिना खाए पिए रहता हूँ, एक ही दिन रहता। ये नहीं कि मैं मुसलमान बन गया हूँ, मैं तो देखिए नाश्ते का आदमी, मगर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माय ब्रदर मुस्लिम्स, ब्रदर एंड सिस्टर मुस्लिम्स, मैं खुद रखता हूँ, और मैं फेसबुक पे ये पोस्ट करता हूँ कि आई एम अपीलिंग टू नॉन मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक दिन तुम लोग रोज़ा रोज़ा प्रेफरेबली अगर रख सको लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान, वरना किसी दिन। ये इसलिए नहीं कि तुम्हें अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा, मगर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द फेलो योर फेलो मुस्लिम इन द वर्ल्ड। मैं कैलिफोर्निया में था, मैंने कैलिफोर्निया में मैंने इफ्तार पार्टी कराई है, हमारी मुस्लिम फ्रेंड हैं शाइस्ता अली जी, तो उनके यहाँ हुआ, मैं दिन भर मैंने रोज़ा रखा और शाम को जब इफ्तार के बाद ही मैंने तोड़ा। तो ये मैं हर साल 25-30 साल से मेरा ये प्रैक्टिस चली आ रही है। बहुत अच्छी बात साहब, हमने पढ़ा था, आज आपसे सुन भी लिया हमने, तो हम लोगों को चेंज करने की, सब मुसलमानों को अपने आप में तब्दीली लाने की नसीहत मार्कंडेय काजी साहब दे रहे हैं साहब। और कल होली है, कल होली है जी, तो देखिए पहले हिंदू मुस्लिम दोनों होली खेलते थे जी, ये मुगल बादशाह होली खेलते थे, नवाब अवध होली खेलते थे, सब ये सबका ये कंपोजिट कल्चर है हमारे मुल्क की। लेकिन सर इलाहाबाद में ही आज सुबह के फेसबुक में है, मस्जिद को तारपोलिन से ढक दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया, आज ही की न्यूज़। क्यों क्यों किया? कि रंग ना फेंक दे कोई इस पर। ये इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, आज ही की न्यूज़। हाँ, तो ये बड़ा गलत है, ये हम लोग को देखिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, बिल्कुल सब मजहबों को बराबर इज्जत देनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एक मुल्क में इतने सारे मजहब हैं, इतने कल्चर हैं, आप चला ही नहीं सकते हैं जब तक सबको बराबर इज्जत न दें। किसी के खिलाफ जुल्म नहीं होना चाहिए, जिसको जो प्रैक्टिस करना है, जो भी मजहब पे चलना है चले, क्या वो किसी का सर काट रहा है, किसी का पैर काट रहा है? अरे वो अपना ये मान रहा है, अपनी बात मानने दो, तुम अपनी बात मानो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको बताऊँगा,
अमेरिका आज सबसे डेवलप कंट्री है, सबसे पावरफुल नेशन इंडस्ट्रियल। अब जन एक वजह उसकी से बहुत वजह हैं, एक वजह ये है कि वहाँ इमिग्रेंट्स आए यूरोप से और फिर और मुल्कों से, और वो अपने 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 मज़हब कस्टम्स देके आए, तो क्योंकि उनका सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, सब फ्रीडम ऑफ रिलीजन थी वहाँ, इस वजह से दैट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर टू द रैपिड प्रोग्रेस, कि आप किसी तबके पे आप जुल्म नहीं कर सकते। तभी अमेरिका बिकेम ग्रेटेस्ट नेशन। सर वही तो हमारे यहाँ भी है, होना चाहिए। देखिए सेकुलरिज्म आपके यहाँ लिखा तो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में जी, मगर प्रैक्टिस नहीं होता है ना। देखिए कागज में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कागज का टुकड़ा है जी जी, जब तक वो इम्प्लीमेंट ना हो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने लिख दिया सेकुलरिज्म, आप मानिए लिख दें कि भारत एक बड़ा बड़ा रईस मुल्क है, बड़ा समृद्ध देश है, यहाँ दूध की और शहद की नदियाँ बहती हैं, लिखने से क्या होता भाई? ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है अभी भी बहुत कम्युनलिज्म है इस कंट्री में, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा साहब, एक और आखिरी दिमाग में आ रहा है, आप चूँकि जुडिशरी से इतने लंबे साल से जुड़े रहे हैं, ये जो अभी जस्टिस नज़ीर साहब का गवर्नर बनना, तो क्या ये जस्टिस से गवर्नर का पोस्ट ज़्यादा है क्या? देखिए ये पोस्ट ज़्यादा बड़ा छोड़िए, वो उन्होंने गवर्नमेंट की चमचागिरी करी, उसका रिवॉर्ड मिल रहा है उनको। लेना चाहिए उनको? लेना नहीं चाहिए, मगर भाई लोग आ जाते हैं इस चक्कर में। आपको कभी ऑफर नहीं आया था सर? देखिए मुझे तो बड़ा गया बीता माना जाता है कि ये बिल्कुल मन फिरा आदमी है। इसको मैं तो कोर्ट में कहता था, जब कोर्ट में बैठता था तमाम वकील होते थे, मैं कहता था वकीलों से देखो ऐसा है, तुम कभी टेस्ट तो करो, मुझे कोई रिश्वत ऑफर तो करो, हो सकता है मैं मंजूर कर लूँ, मैं चक्कर में आ जाऊँ, आप 10 करोड़ मुझे ऑफर करें, मैं भी स्वीकार कर लूँ, मगर आप लोग मुझे इतना गया बीता मानते हैं, इतना गिरा हुआ मानते हैं, मुझे कभी ऑफर ही नहीं आ रहा है। तो अच्छा वो किस्सा आपने क्या मुझे सुनाया था कि जो मौलाना लोग खफा हो गए थे आपसे? हाँ वही जो एक आर्टिकल आया था हमारा, कि तलाश है एक कट्टर मुसलमान की, उस पर हो गए बहुत खफा। क्यों खफा हो गए? कि आपको कोई मुसलमान नहीं मिला। बोला नहीं साहब, मैं भी आप जो बोल रहे हैं ना सर, ये 10 साल पहले मैं भी बोलता था, अच्छा। मैं भी मुसलमान का 1% हूँ शायद, अच्छा। तो उसके छता रहा, जिन मौलाना के पास भी गए ये आर्टिकल पढ़ाया, तो हम तो अपने लिए कि हाँ साहब कुछ दाद मिलेगा, लेकिन वो तो नाराज़ हो जाते थे। तो हमारे बहनोई आए, बाहर में रहते हैं, डॉलर की गर्मी है, तो उन्होंने देखा हमारे ऑफिस में टेबल पर वो आर्टिकल, तो बोला आपको कोई मुसलमान नहीं मिला? हम बोला ना अभी तक तो नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं आप, हमसे छोटा है उम्र में, आप क्या बात कर रहे हैं? तो वो बोला कि ठीक है, मैं ऐसे ऐसे मुसलमान को सऊदी में ढूंढूंगा और आपको बुलाऊंगा। मैं बोला मैं अपने खर्च से वहाँ जाऊंगा और उनसे मिलूंगा, सीखूंगा कि हमारे कॉन्सेप्ट में मुसलमान जैसा आप बोल रहे हैं ना वैसा कौन होता है। तो उसके बाद क्या करेंगे? मैं बोला तब उसके बाद में एक मोमिन ढूंढूंगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमारी, वो तो मिलना नहीं है। मुसलमान तो शायद मिल भी जाए, मोमिन नहीं। मोमिन मीन मोर डेवलप्ड। जी जी जी, तो वो कहाँ मिलेगा जब हम मुसलमान ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। चलिए बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।